नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महिलाओं के प्रति रेवाड़ी पुलिस कितनी असंवेदनशील है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चार दिन बीतने के बावजूद भी आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता और प्रजापत समाज जिला सचिवालय पहुंचे और एसपी से मिलकर आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग की गई। आरोपी चिकित्सक पर फैसले के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया। पीड़िता ने कहा कि उसे इतना परेशान कर रखा है कि वह सुसाइड कर सकती है। आरोपी चिकित्सक शराब पीकर पीड़िता के फोन पर अश्लील बातें करता है। इस मामले में कोसली थाना पुलिस ने 27 अगस्त को केस दर्ज किया था। चार दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एसपी ने पीड़ित पक्ष और प्रजापत समाज को 24 घंटे में आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। प्रजापत समाज ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो गुड़ियानी में जाम लगाएंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ताला ठोकेंगे। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। और पीएचसी गुड़ियानी में मैं कार्यरत हूँ। वहाँ का जो डॉक्टर है, डॉक्टर विवेक शर्मा, वो ड्रिंक करके मेरे पास फोन करता है, अश्लील बातें करता है, हॉस्पिटल में भी मुझे परेशान करता है, हर काम में नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं उसकी मांग मानूँ जो उसकी नाजायज मांगे हैं। और मतलब उसकी इन बातों से, उसकी अश्लील बातों से मैं परेशान होकर मैंने सुसाइड करने की भी सोच ली थी, लेकिन मैं बच्चों की वजह से ये कदम नहीं उठा पाई। तो बस आज मैं एसपी साहब के सामने यही रिक्वेस्ट लेके आई थी कि मैंने जब एफआईआर मैंने फ्राइडे को जब करवाई है तो उसके बाद भी अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करने आई थी कि अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं पकड़ा गया। डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने आई थी, डॉक्टर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और एसपी साहब ने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। आज हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर डॉक्टर की गिरफ्तारी हो जाएगी। और मैं क्लियर कहती हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर, एसपी साहब हमारे बड़े अधिकारी हैं और उन पर विश्वास करना हमारा फर्ज है, क्योंकि प्रशासन और पब्लिक का एक रिश्ता होता है। और अगर हमारी हमें इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि औरत की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी आए और उछाल के चला जाए, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती, हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो हम कल रोड जाम करेंगे और पीएससी को ताला लगाएंगे। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने हमें इस मामले में आश्वासन दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर इस मामले पे कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर या तो कार्रवाई हो जाती है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर हम अपने समाज के तहत, प्रजापति समाज के तहत इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।